નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે વાત કરીશું ધોરણ આઠ વિષય હિન્દીના પુનરાવર્તન એકનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આ વિડીયોની અંદર મેળવીશું એ પહેલાં જો તમે ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો મિત્રો ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેવી શબ્દકો શબ્દકોષ કે ક્રમ મેં વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રથમ સ્વર અને ત્યારબાદ વ્યંજન આવશે આકાર ગૃહ થોડા નિશા પીઠ ફલ રાષ્ટ્રભાષા સમીક્ષા ઓર સુજિયા दूसरा निम्नलिखित शब्दों को लिंग परिवर्तन कर वाक्य में कीजिए कीजिए प्रयोग तो युवती वृक्ष के नीचे एक युवती खड़ी थी पंडित पंडिताइन पंडिताइन मिलने के लिए हमारा घर आई थी छात्रा तो छात्रा तुम तो किस स्कूल की छात्रा हो अध्यापक अध्यापिका हमारी अध्यापिका बहुत अच्छा पढ़ाती है डॉक्टर डॉक्टर ये हमारे गांव की डॉक्टर है माली तो मालिन मालीन सुंदर मालाएं बनाती है प्रश्न नंबर तीन निम्नलिखित शब्दों के वचन परिवर्तन कर वाक्य में प्रयोग कीजिए मूर्ति तो मूर्तियां मंदिर में सुंदर मूर्तियां थी दिशा तो दिशाएं सभी दिशाएं प्रकाशित हो उठी कहानी तो कहानियां बच्चों को कहानियां बहुत पसंद है गमला तो गमले हमारे घर पर कई सारे गमले हैं प्रश्न नंबर चार निम्नलिखित शब्द में उचित उपसर्ग अथवा प्रत्यय जोड़ते हुए नए शब्द बनाइए विान तो विज्ञान प्लस तो मानव प्लसता तो मानवता वी प्लस मोक तो विमोक गैर हाजिर तो हाजिर समाज एक तो सामाजिक कुल इन तो कुलीन अवता हिंसा तो अहिंसा शानवता धार तो शानदार प्रश्न नंबर पाँच मेरा शौक के बारे में दस बारह पंक्तियां लिखिए मेरे दो शौक है पतंग उड़ाना और बागबानी करना मुझे पतंगों से प्यार है मैंने बहुत सी पतंग एकत्र की है वे भिन्न आकार आकृतियां एवं रंगों की है भारत में लोग बहुत शौक से पतंग उड़ाते हैं अधिकतर शहरों में पतंगबाजी की प्रतियोगिता आयोजित की जाती है मैं अपने घर की छत पर से रविवार को पतंग उड़ाता हूँ साफ नीले आकाश में पतंगों को उड़ाना देखने में बहुत आनंद आता है हमारे मोहल्ले के खेल के मैदान से पतंग उड़ाने में बड़ा मजा आता है आकाश में उड़ते रंग बिरंग सुंदर पतंग मुझे खुशी प्रदान करती है विद्यार्थी मित्रों संपूर्ण सॉल्यूशन पूर्ण थाय से बजाज विषय आ प्रकार सॉल्यूशन मिलवा चैनल खास सब्सक्राइब कर देवी